नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच बिहार में इसी महीने के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों को लेकर लगातार सजगता बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग ने प्रचार से लेकर मतदान के तरीकों में बदलाव किया है। अब चुनाव आयोग ने सभी दलों के स्टार प्रचारकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी दलों के स्टार प्रचारकों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक चुनाव आयोग में रजिस्टर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियां अधिकतम 30 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा छोटी पार्टियाँ सिर्फ 15 स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर सकती हैं। पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी के लिए प्रचारकों की संख्या 40 तय की गई थी। वहीं सभी पार्टियों को अपने स्टार प्रचारकों के नाम आयोग को तय वक्त में सौंपने होंगे। आयोग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में नामांकन के समय सीमित संख्या में समर्थक, गाड़ियां, प्रचार वाहन और घर घर प्रचार के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना प्रोटोकॉल तय किया गया है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के संबंधित चरण की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन के भीतर पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप सकती हैं। जिन पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, उनके लिए भी लाजमी है कि वो कोरोना काल में अपनी संशोधित और लेटेस्ट सूची आयोग को दें। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त प्रचार से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया था, जिसके मुताबिक प्रत्याशी समेत 5 व्यक्ति घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा कर्मियों की गिनती नहीं की जाएगी। इसके अलावा रोड शो के दौरान 10 की जगह 5-5 गाड़ियों का काफिला रहेगा, जिसमें दोनों के बीच आधे घंटे का अंतर रखना जरूरी है। इस दौरान भी सुरक्षा कर्मियों के वाहन की गिनती नहीं की जाएगी। बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में मतदान होना है। वहीं 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।